ऑनलाइन स्टडी प्लेट में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2021 के आगे की फर्दर प्रोसेस के बारे में। तो टीयर टू का आपका एग्जाम हो चुका है 18 सितंबर 2022 को। अब इसका टीयर टू का रिजल्ट कब आएगा, टाइपिंग टेस्ट कब होगा, फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा और ज्वाइनिंग आपकी कब तक हो जाएगी और टाइपिंग टेस्ट करना क्या आसान होता है, ठीक है, इस सब चीज़ों के बारे में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको देख लेते हैं दोस्तों हम कि पुराना ट्रेंड्स क्या रहा है, ठीक है, पुराना ट्रेंड्स क्या रहा कि कब तक रिजल्ट आया, कब तक टाइपिंग टेस्ट हुआ, फिर डीवी हुआ, फिर फाइनल रिजल्ट आया, फिर ज्वाइनिंग कब तक हुई, ठीक है। तो हम 2018 से अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पर दोस्तों टीयर टू का एग्ज़ाम 29/9/2019 को हुआ और रिजल्ट इसका 25/2/2020 को आया, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5 महीने के बाद इसका रिजल्ट आया। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो 26/11/2020 को जो है इसका काफ़ी टाइम के बाद जो है टाइपिंग हुई, फिर इसका रिजल्ट आया, ठीक है, 10/6/2021 को, ये भी 7 महीने लगा दिए यहाँ पर टाइपिंग के टेस्ट में, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई अगले महीने, और फिर दोस्तों फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया 1 महीने के बाद, और फिर 5-6-7 महीने के बाद इसकी ज्वाइनिंग हुई, ठीक है। ये 2018 की दोस्तों ज्वाइनिंग अभी हो चुकी, कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। थोड़ा सा डिले इसके में इसलिए हुआ था क्योंकि 2020 में जो है कोरोना आ गया था, ये आप सभी को पता है, तो उसने 1.5 साल बिल्कुल ख़राब कर दिए थे। फिर 2019 का दोस्तों मैं आपको बताऊं तो यहां पर 14/2/2021 को टीयर टू का आपका सब्जेक्टिव पेपर हुआ, फिर इसका रिजल्ट भी दोस्तों काफ़ी लेट आया, 30/9/2020 यहाँ पर भी दोस्तों कितने टाइम लगा, 7 महीने, ठीक है। फिर आगे इसका टाइपिंग हुआ, फिर डॉक्यूमेंट इस तरह से इसका हुआ। फिर 2020 की अगर मैं बात करूँ तो 9/1/2022 को जो है इसका टीयर टू का पेपर हुआ और रिजल्ट दोस्तों इसका 13/5/2022 को आया, यानी कि यहाँ पर दोस्तों 4 महीने लगाए, ठीक है, कितने, 4 महीने, और फिर उसके जो है 1.5 महीने के बाद ही जो है इसकी टाइपिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है, लेटेस्ट दोस्तों यही है अपने पास। उसके बाद 2021 का हुआ है 18/9/2022 को, ठीक है। अब देखो यहां पर दोस्तों 5 महीने लगाए, ठीक है, इसको और इसको तो हम छोड़ देते हैं टीयर टू के, क्योंकि इसमें कोरोना आ गया था। तो अब हम 2020 से अगर से यहां से 22 से स्टार्ट करें कि 22 में क्या ट्रेंड चल रहा है, तो यहां पर देखो 4 महीने लगाए, ठीक है। MTS के पेपर में दोस्तों MTS का पेपर टीयर टू का पेपर 8/5/2022 को हुआ था और इसका रिजल्ट 30/7/2022 को दे दिया, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3 महीने से भी थोड़ा सा कम, ठीक है। और यहां पर दोस्तों CGL 2020 का जो है 6/2/2022 को जो है टीयर टू का जो सब्जेक्टिव पेपर होता है टीयर थ्री का वो हुआ था और इसका जो टीयर टू का जो मेंस का रिजल्ट वो दोस्तों 26/4/2022 को आया, यानी कि जो कॉपी चेक हुई ना वो यहाँ से हुई 26/4/2022 से यहाँ तक, यानी कि यहाँ पर ये रिजल्ट दोस्तों इसका था 2.5 महीने में लगभग, ठीक है। तो यानी कि 2.5 से 3 महीने का दोस्तों अभी ट्रेंड चल रहा है CHSL या जो टीयर टू का रिजल्ट से टीयर टू का रिजल्ट देने में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 2021 का ये है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली 10 दिसंबर के आसपास जो है संभावित है, ठीक है, 10 दिसंबर के आसपास। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो है अगला अगर हम बात करें तो इसकी 13/5/2022 को टाइपिंग इसका रिजल्ट आ गया टीयर टू का, इसके बाद टाइपिंग के लिए कितना टाइम मिला, यहाँ पर टाइपिंग के लिए दोस्तों जून मिला और हाफ जो है यहाँ पर मई मिला, ठीक है, यानी कि 1.5 महीना जो है इसके बाद इनको टाइम मिला। तो यानी कि जो आपका टाइपिंग है दोस्तों वो कब होगा, 1.5 महीने के आसपास, यानी कि 20 जनवरी के आसपास, ठीक है, कब, 20 जनवरी के आसपास। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगली स्ट्रीम। तो यहाँ पर दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया 10 दिसंबर को जो है कि आसपास जो इसका रिजल्ट आपका देखने को मिलेगा, 20 जनवरी 2023 को जो है आपका टाइपिंग होगा, ठीक है, यानी कि जनवरी में आपका टाइपिंग होगा। आपके पास अभी कितना टाइम है दोस्तों देख सकते हैं आप, अक्टूबर नवंबर दिसंबर कंप्लीटली 3 और फिर जनवरी, 4 महीने हैं आपके पास और इजिली आप टाइपिंग सीख सकते हो। टाइपिंग में 35 की स्पीड मांगी जाती है जो कि 3 महीने में दोस्तों आप आराम से कवर कर लोगे और 40 की स्पीड जब तक आप घर पे नहीं निकालोगे तब तक दोस्तों आपका टाइपिंग टेस्ट क्लियर नहीं होगा। और सेकेंड थिंग कि आपने घर पे ऐसे एक ही कीबोर्ड से प्रैक्टिस नहीं करनी है, अलग अलग कीबोर्ड से प्रैक्टिस करनी है, इसलिए आपने कहीं नियर बाय शॉप पर चले जाना, वहाँ पर दोस्तों क्योंकि
अलग अलग शिफ्ट वो होती हैं, तो इस हिसाब से जो आपने काम करना है, ठीक है, यानी कि अलग अलग कीबोर्ड का यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पर कीबोर्ड कभी वो जो बटन होते हैं वो टाइट भी आ जाते हैं, कभी लूज हो जाते हैं, तो इस तरह का थोड़ा सा मैटर रहता है। तो आपने सिर्फ एक ही कीबोर्ड से प्रैक्टिस नहीं करनी है, टाइपिंग बिल्कुल आसान है, 40 की स्पीड आप कर यहाँ पे निकालो एग्जाम से पहले पहले, ठीक है, तो आपकी टाइपिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं आएगी। फिर दोस्तों इसका जो रिजल्ट है अप्रैल 2023, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 3 महीने में आने की संभावना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका मई 2023 में, और फाइनल रिजल्ट आपका जो है जुलाई 2023 में आ जाएगा, और ज्वाइनिंग आपकी दिसंबर 2023 तक इसकी हो जाएगी, ठीक है, CHSL 2021 की। और अगर CHSL 2020 की मैं बात करूं जिसका ये भी है, तो सितंबर एंड इसका जो संभावित है अभी रिजल्ट आना टाइपिंग का, अक्टूबर में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट दिसंबर में आ जाएगा, और जून 2023 में इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। ये दोस्तों पूरा का पूरा जो मैंने ट्रेंड जो है बताया कि ये ट्रेंड जो है अभी चल रहा है, ये आप देख सकते हैं 2021 का, ठीक है, कंप्लीटली। अब इसके अंदर अगर मिशन मोड में सरकार आ गई है, ठीक है, जैसा कि अभी आपने देखा सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो भी नया पैटर्न है, क्या पैटर्न अपनाया गया, वो सारी चीज़ें दोस्तों उस वीडियो में बता रखी हैं, ठीक है। तो हो सकता है इसमें 1 महीने तक का जो है पहले ये संभावित हो जाए, ठीक है, अगर मिशन मोड इन्होंने इस पर भी लगा दिया, अच्छे तरह से काम किया, तो 1 महीने पहले ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा भी 1 महीने से और ज़्यादा पहले होने की संभावना नहीं है दोस्तों, ठीक है, मैक्सिमम 1 महीने का इसके अंदर कम हो सकता है, अदरवाइज एक नॉर्मल ट्रेंड जो है मैंने आपको बता दिया कि लगभग आपका जो है इसके राउंड अबाउट रहेगा। तो रिजल्ट दोस्तों आपका ये आएगा और टाइपिंग ये इस दिन होगी, तो इसलिए अपनी तैयारी को जो है दोस्तों बनाए रखें बढ़िया से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।